आशीर्वाद। जय हो माता दी। भाई क्यूट सी फैमिली आई हुई है यहाँ पे, सुबह से आए हुए हैं और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। और चैनल ओपन किया ना भाई, उसके बाद वो बोलने लगे मैं ब्लॉग बनाता तो हूँ, मैं अपलोड नहीं करूंगा, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते। भाई हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक हाइट पे ऐसी जगह मिल ही जाएगी जहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट बहुत प्यारी लगेगी। इतना ज्यादा ट्रैक करने के बाद भाई आपका पहुंच चुका है इससे भी हाइट पे। आप मेरे पीछे गाँव देख सकते हो, इसी गाँव से होते हुए भाई हम वो सामने गए थे। सो भाई चलते चलते मेरे को एक चीज मिली है, ये देखो। और ये पता क्या, ये भाई टूटा हुआ सीन है किसी का। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शंटी ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हो यार सारे बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि भाई आपका फिर से आ चुका है एक नया ब्लॉग नई राइड के साथ, और आज की राइड होने वाली है बहुत ही प्यारी। ये राइड मैंने सुबह के लिए सोचा था क्योंकि सुबह ना मौसम बहुत ही प्यारा था, मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौसम में आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाया जाए। सुबह वेट करते करते ना भाई धूप आ गई, जैसे धूप निकली भाई मैंने सोचा कि मैं शाम को जाता हूँ। अब शाम आ गई है तो धूप अभी भी भाई देखो पीछे बहुत ही ज्यादा धूप है, बट मैंने सोचा अगर धूप को देखता रहूंगा तो मैं निकल पाऊंगा घर से। पहले मैं सोच रहा था किसी को बोलूंगा, किसी के साथ जाता हूँ, किसी को बोल फोन करता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार सोलो राइड मेरे को करनी चाहिए। मैंने आज तक सोलो राइड नहीं करी, आज जितनी भी करी है कभी ना कभी ये मन में ये रहता कि यार मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने सोचा कि आज सोलो राइड करते हैं एंड सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। फिलहाल ब्लॉग में बने रहना, आगे बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम लेते हैं मम्मा का आशीर्वाद और निकलते हैं अपनी इस राइड के लिए। मम्मा दो आशीर्वाद, तुम्हारा पुत्र तरक्की करने चलिया है, चले तरक्की करन। आदे माँ का आशीर्वाद लियो तो हर काम सफल होता है ना। दो आशीर्वाद। जय हो माता दी। सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई निकल चुका है घर से। भाई मेरे को ना डर लगता है यार, मैंने कभी आज तक सोलो राइड करी नहीं है, हमेशा ना कभी किसी को लेके जाता हूँ, बट मैंने सोचा नहीं अभी आज अकेला जाऊंगा। भाई आज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तभी तो भाई आपका निकल चुका है। अब भाई मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, फिर भी आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ चुके होंगे मैं कहां जा रहा हूं। और भाई बाइक हमारी ना बाहर बड़ी निकलती है यार, यहां जा रहा हूं ना मैं, जगह तो बहुत प्यारी है और मैं गया भी हूं वहां पे, मैंने कैंपिंग भी करी है भाई, समझ चुके होंगे आप सब यार, एंड वो जगह बहुत ही प्यारी है यार। जितनी बार जाऊंगा ना उतनी बार भाई मेरा मन नहीं भरेगा उस जगह से, वो पहाड़ियों के पीछे जाना आज आपके भाई ने। इन दिनों में इस बाइक का कंट्रोल थोड़ा कम हो गया हुआ है, डर भी लगता है, टायर भी इसके थोड़े गंजे हो रहे हैं। भाई आपका भाई जा रहा है बिंडी टॉप, आपने सुना होगा, आप बड़ी बार गए होंगे। मैं मोटो ब्लॉगिंग में कभी आज तक गया नहीं हूँ वहाँ पे, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में जाता था वहाँ पे एक फ्रेंड था, उसने मेरे को एक बार सिर्फ ना पिक दिखाई थी बिंडी टॉप की, यहाँ से थोड़ा ऑफ रोड आएगा, बट हमारे डेविल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा डेविल पता कौन सा है, डस्ट और डेविल। ओहो अब तो ये रोड फिर थोड़ी ठीक बन गई हुई है यार। ओ भाई ओ ओहो निकलेगी क्यों नहीं निकलेगी यार। ओ ओ ओ ओ ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई स्लो स्लो या भाई लॉन्ग वाला ये वाला पड़ता है, इस रास्ते में आपको बिल्कुल भी ऑफ रोड नहीं आएगा, बट ये शॉर्ट वाला इस रास्ते से आपको ना ऑफ रोड मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। मैंने बोला मेरे को भी लेके चल कभी, तब रास्ता था बट लुक वगैरह नहीं पड़ी हुई थी। भाई वहां पे ना एक पत्थर है, उसे बोलते हैं ईगल पॉइंट, भाई नाम डाल दिया ईगल पॉइंट, बट वो वाला पत्थर है ना जो किसी देवी स्थान का पत्थर है यार, बोलते हैं मानते हैं बड़ा, शूज वगैरह लगा के वहां पे आप नहीं जा सकते। एंड उसने बताया मेरे को, हम गए फिर उसके बाद एक्सप्लोर हुआ था भाई बिंडी टॉप, बट उससे पहले पहले किसी को पता नहीं था, उसने मेरे को बताया, फिर आस्ता आस्ता पता लग गया सबको, अब तो भाई ईगल पॉइंट के नाम से भाई फेमस है वो। सुबह बहुत प्यारा मौसम हो गया हुआ था और व्यू भी बहुत प्यारा लगता था मेरे को, कि मैं देख रहा था घर से, मैंने बोला पहाड़ियां कैसी लग रही हैं, तो बहुत प्यारी लग रही थी। अभी यार धूप आ गई हुई है, बट अभी धूप में भी ऐसा नहीं है, अभी शाम का टाइम है, इवनिंग में भी मौसम अच्छा हो गया। जिसको भी देखता हूँ ना भाई, मैं उसकी ओल्ड वीडियो देखता हूँ और उसके बाद मोटिवेशन लेता हूँ, और सबने यार बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आज वीडियो अपलोड करी और कल वो फेमस हो गया, नहीं, सबने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इवन की तीन चार चार साल भी लग जाते हैं यार, उसके बाद जाके उनको एक पुश मिलता है। उन्होंने भी यही चीज बोली हुई है अपने ब्लॉग्स में कि आपको अपनी जो वीडियो है ना वो डेली अपलोड करनी है। आप ये मत सोचो कि मेरी ये वीडियो मैंने अच्छी बनाई है तो व्यूज आएंगे, इवन की मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं जिस वीडियो में सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ ना वो वीडियो भाई सबसे कम रैंक में जाती है, तो जिस वीडियो में मैं मेहनत कम करता हूँ ना
वो वीडियो रैंक में ऊपर चले जाती है। बाकी ये देखो सामने व्यू कितना प्यारा लग रहा है, सुंदरबनी का व्यू, वो सामने सुंदरबनी। अभी तो हमने हो राइट पे जाना है, अभी ये मिड वाला पॉइंट है, अभी हम घूम के जाएंगे पीछे वाली साइड से। अभी मैं आपको यहाँ से खड़े होकर दिखा देता हूँ सुंदरबनी का व्यू। अभी सनसेट हो रहा है, आते समय सनसेट हो जाएगा। वो देखो सुंदरबनी वो सामने दिख रहा है, और ये देखो भाई जंगल ही जंगल है। तो निकलते हैं भाई लोग, क्योंकि यार अगर मैं आपको व्यू दिखाता रहा ना तो मैं लेट हो जाऊंगा, क्या पता आगे व्यू मिले ना मिले। आज आपको भाई बिंडी पूरा घुमाना है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी एक दिन परफेक्ट बन जाऊं, बट वो टाइम अभी नहीं आएगा। उस टाइम के लिए मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाइक लेके चलते हैं ऊपर, बाइक यहाँ पे नहीं, बाइक हम आगे जाने देते हैं, वो आगे लगाते हैं बाइक। ये देखो भाई फैमिलीज आई हुई है, एंजॉय कर रही है, हम आपको आगे लेके चलते हैं। वाओ है ना प्यारा व्यू। अब बाइक ऊपर भी जाती है यार, ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। रास्ता तो ठीक है यार, फैमिलीज को यहाँ पे एंजॉय करने दो, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैसे मैं करता भी नहीं हूँ यार। सो गाइस यहाँ पे लगाते हैं बाइक। अब सामने देखो आप, नीचे खाई देखो यार। ओ भाई इसी चीज से डर लगता है यार, यहाँ से बंदा गिर जाए भाई बंदा मिलता ही नहीं है, कैसे लाना है भाई, रास्ता ही नहीं है कोई भी नीचे जाने को। तो फिलहाल आपको मैं आगे लेके चलता हूँ, इस जगह से ना ऊपर जाना होता है, वहां से एक लोकेशन दिखती है, बहुत प्यारी लोकेशन है। कोशिश करता हूँ मैं जाता हूँ वहां पे, वे दिखाता हूँ आपको उस साइड से भी कैसा व्यू दिखता है, और जिधर हम गए थे ना वो भी दिखाता हूँ। ट्रैक करके जाना पड़ता है आपको, यहाँ पे फैमिलीज को लेके आप आ सकते हो। ये है कि बच्चों को यहाँ मत आने देना, बच्चों को आप नीचे ही रखना, आप भी उनके साथ नीचे ही घूमना तो तभी ठीक है। इस साइड आओगे ना तो ये डेंजरस वाला एरिया आ जाता है, यहाँ पे ना खाई बहुत ज्यादा नीचे यार। सो फाइनली गाइस देख सकते हो कहाँ पे बैठा हूँ, आगे नहीं जाऊंगा यार क्योंकि आगे डर लगता है यार। अभी यहाँ पे बैठा हूँ मैं भाई, यहाँ पे ना 5-10 मिनट तक बैठता हूँ, उसके बाद मैं आपको पार वाली साइड लेके जाता हूँ, उसके बाद देन मैं आगे भी जाऊंगा, ऊपर वाली साइड भी दिखाऊंगा। बट यहाँ से आगे भी भाई एक बार आपका भाई गया हुआ है, यहाँ पे बैठा हूँ। अगर जिसको विश्वास नहीं है भाई वो मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकता है, मैंने पिक अपलोड करी हुई है एक, वो देख सकता है वहाँ पे अगर विश्वास नहीं है। बट उस टाइम कुछ और था यार, अभी डर लगता है, अब तब डर नहीं था लगता। और मेरे नीचे खाई देखो यार, भाई बंदा गिर जाए ना नीचे तो मिलता नहीं है। फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे ना, हमने यहाँ पे फोटो खिंचवाई थी, तो खिंचवाने के बाद हमने भाई नीचे वाला बैकग्राउंड ना कट कर दिया था, और ऐसा लगता है कि आसमान के साथ टच। अभी मैं भी आपको ऐसे लग रहा हूँ कि आधे आसमान, बट मैं आधे आसमान में नहीं हूँ। आपका भाई कहाँ पे अभी भाई? इसी पत्थर के ऊपर है, जिसका नाम पड़ा हुआ है ईगल पॉइंट, और ये लगता भी है यार आधे आसमान की तरह लगता है। फिर तो निकलते हैं यहाँ से, वो ऊपर वाली साइड जाता हूँ, वहां पे बाइक नहीं जाती, उसके लिए मेरे को वहां पे पैदल जाना पड़ेगा। तो जाते हैं वहां से, आपको आगे का गांव जो है ना इधर, मतलब ये तो आपको एक ही घर मिला ना, यहाँ पे एक घर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। वो गाँव जो है ना वो आगे वाली साइड पड़ता है। अब मेरे को इसके लिए ट्रैक करके जाना पड़ेगा, थोड़ा ही ट्रैक है, ज्यादा तो है नहीं है। तो जल्दी से जाते हैं वहां पे, वहां का आगे गाँव दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वापिस आता हूँ, फिर आपको वो पार वाली साइड दिखाऊंगा। एंड गाइस फाइनली ना इतना ज्यादा ट्रैक करने के बाद भाई आपका पहुंच चुका है इससे भी हाइट पे। आप मेरे गांव देख सकते हो, ये वाला जो गांव है ना, इसी गांव से होते हुए भाई हम वो सामने गए थे, वो सामने पत्थर दिख रहे हैं ना दो वाले, इस जगह पे आए थे, इस जगह से ना हमें वो पत्थर दिखा तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा, तो हमने सोचा क्यों ना एक दिन वहां ही जाया जाए। भाई गए वहां पे, 3 घंटे का ट्रैक किया हमने, 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम वहां पे पहुंचे, और बहुत प्यारा लगा वहां पे। फिलहाल मेरे पीछे देखो आप, ये वाला ये व्यू प्यारा लगता है ना, ये भाई बिंडी से भी हाइट पे है। आपको ना थोड़ा सा ट्रैक करके इस जगह पे आना पड़ेगा, और ये देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, और सामने वो देखो ईगल पॉइंट का पत्थर, और नीचे आप खाई देख सकते हो। भाई जब भी यहाँ पे आओगे ना तो इस चीज का ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चों को और बड़े, इवन की खुद भी, आप कभी आगे मत जाना, आप पीछे से देख लेना। फिलहाल यहाँ का व्यू भी आपको अच्छा लगा होगा, अब मैं आपको वो सामने का व्यू दिखाता हूँ जो वो नीचे वाली साइड है, वो भी बहुत प्यारा लगता है, वहां से आपको सुंदरबनी दिखेगा। और मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ ना कि मेरे आसपास कोई भी होगा ना तो वो भी मेरी आवाज सुनेगा आराम से, आप तो सुन रहे ही सुन रहे हो। बाकी यार उस जगह पे जाते हैं, वो जगह देखते हैं, वहां से आपको सुंदरबनी का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद देन हम अपने घर को वापस जाते हैं। फिलहाल ब्लॉग में अभी भी बने रहना, ट्रैक करके आया था इतनी सी जगह दिखाने के लिए, अब फिर से जाना पड़ेगा मेरे को। भाई दिखाएंगे भाई, मेहनत करके तो सब कुछ होता है, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं ना मिलता आज तक, मेहनत करेगा आपका भाई यार। यही छोटी छोटी चीजें ना मेरे को बहुत कुछ सिखाती है। अकेले तो यहाँ पे दिन को भी आते डर लगता है, यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला रास्ता है। मैं आया हूँ ना अभी, ईगल बैठे हुए थे यहाँ पे, वो भाई उड़ा ना जब पूरी आवाज आई है
बड़ा डर लगता है ना। मैं सोचा पता नहीं क्या बैठा हुआ, मम्मी बोलेगी चंगा ब्लॉग बनाने गया। सो गाइस चलते चलते मेरे को एक चीज मिली है, ये देखो। और ये पता क्या, ये भाई टूटा हुआ सींग है किसी का। अब इसे छोड़ते हैं यहाँ पे, अब निकलता हूँ यहाँ से, अब आगे का व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे भाई क्यूट सी फैमिली आई हुई है, यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। और आगे वाली साइड भैया दिखाता हूँ, उस साइड चलो आप, वहाँ से सुंदर बनी बहुत प्यारा दिखता है उस साइड से। हाँ आप गए थोड़ी उधर, हम गए उस पे पहले, वहाँ पे आगे गए हो, आगे से तो बहुत प्यारा और फोटो शूट बड़ा प्यारा होता आगे। हेलो, सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ आगे वाली साइड, वहां से एक बार आपको सुंदरबनी का व्यू दिखा देता हूँ। मैंने आपको भाई दो जगह व्यू दिखा दिया, अब मैं तीसरी जगह जाऊंगा, वहां से दिखाऊंगा, फिर हम निकलेंगे वापस घर को। सो गाइस अभी सनसेट हो गया यार, अभी मेरे पीछे सनसेट देखो प्यारा लग रहा है, और ये वाली जगह देखो कितनी प्यारी लग रही है। सो गाइस पूरा प्लेन ही प्लेन है, और अब मैं आपको ना यहाँ से सुंदरबनी दिखाता हूँ भाई, देखो वो देखो सुंदरबनी, इस व्यू से बहुत प्यारा लगता है यार। अब वो देखो ना सामने, वो पूरी सुंदरबनी की मार्केट है, पूरी दिख रही है यहाँ से हाइट पे। भाई सुंदरबनी का ये सबसे अच्छा व्यू है, जैसे आप हर डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हो ना, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक हाइट पे ऐसी जगह मिल ही जाएगी, यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट बहुत प्यारी लगेगी। और इधर से हमारा सुंदरबनी प्यारा लगता है, सुंदरबनी की ये जो ये ईगल पॉइंट वाली लोकेशन है ना, यहाँ से सुंदरबनी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। बाकी अभी मेरे को भैया मिले, उन्होंने बोला यार ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो अच्छा लगता है, जैसे कोई पूछता ना कि ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, मैं ब्लॉग ता तो हूँ, मैं अपलोड नहीं करूंगा, मेरे ब्लॉग देखेंगे 10 से 15 ब्लॉग होंगे तो भाई क्या बोलेगा वो कि ये ब्लॉगिंग करता है, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते भाई। अब जैसे उन्होंने मेरा चैनल ओपन किया ना भाई, उसके बाद वो बोलने लगे कि आपने 58 वीडियो अपलोड कर दिया है। वाकई यार ये चीज देख के मेरे को ना बड़ा अच्छा फील होता है कि 58 वीडियो, भाई मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, मैं डेली एक्टिव होना चाहता हूँ यूट्यूब पे, तो इसी चीज को लेके मैं आगे भी चलूंगा। एंड होप करता हूँ गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि इस चीज से ना आपके भाई को मोटिवेशन मिलती है। भाई शेयर तो कोई करता नहीं है फिलहाल, कमेंट्स जरूर कर देना भाई, जो जो कमेंट करता है ना भाई, अगर जिसके कमेंट कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में रहे, हर ब्लॉग में भाई उस बंदे का नाम होगा जो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू कमेंट करेगा। फिलहाल के लिए निकलते हैं वापस घर को, आपको यह छोटा ब्लॉग सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने भाई को सिर्फ सपोर्ट करें, मोटिवेशन देते रहें, इसी छोटे छोटे ब्लॉग से आपका भाई एक दिन बड़े ब्लॉग लेके आएगा। फिलहाल चलते हैं घर पे वापस।